महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने के दावे के बीच विवादों का बहुत पुराना नाता हो गया है। मात्र 5 महीने पहले बनी सरकार में इतने विवाद हो गए हैं कि अब विवादों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। ताजा जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं उस खबर में स्पष्ट है कि गठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इधर आपने देखा कि हमने आपको खबरों में बताया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी विरोधी गुट से नीतीश कुमार को आउट कर दिया गया है। हालांकि उस गुट में तेजस्वी यादव को रखा गया है। तेजस्वी यादव इंटरनल जो सोर्सेस बता रहे हैं उसमें नीतीश कुमार पर अविश्वास के कारण ऐसा संभव हो रहा है। इससे पहले हमने आपको एक और बात बताई कि नीतीश कुमार की टीम लगातार राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए अलग अलग राज्यों में हो रहे चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करने वाली है। वहीं आपको बता दें कि एक जो खबर आ रही है ताजा खबर कि उसमें तेजस्वी यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल ने भी कई राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी है और ये उम्मीदवार नीतीश कुमार के साथ नहीं बल्कि अलग से उतारे जाएंगे। आपको बता दें कि यहीं से गठबंधन में विवाद की शुरुआत हो गई है। जहां एक तरफ केंद्र की राजनीति में आप समझिएगा इस बात को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है कि एक तरफ जहां केंद्र में नरेंद्र मोदी को बाहर करने के लिए सभी एकजुट होने की बात कर रहे हैं लेकिन उसमें भी एकजुटता नहीं हो पा रही है, वहीं आपको बता दें कि बिहार में एक साथ सरकार चला रहे हैं और अलग राज्यों में अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो इसका मतलब क्या होगा। स्वार्थ की राजनीति शुरू हो चुकी है और इस राजनीति का मतलब कहीं से विकास नहीं है बल्कि इन नेताओं के घालमेल से कहीं न कहीं सत्ता में बने रहने की कवायद शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं और कहते हैं कि यही बिहार का विकास करेंगे, उसके बाद विकास नहीं करने की बात लेकर के फिर से महागठबंधन में आ जाते हैं और महागठबंधन में आकर के फिर कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है और हमारे पैरों में बेड़ियां लगाई गई हैं। आपको याद होगा कि लगातार ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं लेकिन यह सब कुछ सत्ता के लिए किया जा रहा है और सत्ता के लिए किसी के साथ रहना और किसी का साथ छोड़ देना यह राजनीतिक लोगों के लिए आम बात हो गई है। बिहार जिसको लेकर के आप देख रहे होंगे कि लगातार यात्राओं का दौर शुरू है। जहां एक तरफ लंबे समय से आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर यात्रा पर है और बिहार की एक एक छोटी छोटी बातों को वो जनता के बीच रख रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ी में वो लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं और इस समझाने की कोशिश ने काफी असर डाला भी है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर है, उन्हें यात्रा तो करनी चाहिए थी देश की लेकिन यात्रा कर रहे हैं बिहार में और बिहार में किस तरह का समाधान यात्रा कर रहे हैं यह आपसे छुपा नहीं है। वहीं आपको बता दें कि उनके समाधान यात्रा की शुरुआत करने के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल ने भी यात्रा का एक जो है वो ऐलान कर दिया और सीमांचल के क्षेत्रों में यात्रा करेंगे तेजस्वी यादव। आपको पता है कि उनका जो MY समीकरण है वो धीरे धीरे उनसे छिटक रहा है, उसे समेटने के लिए तेजस्वी यादव भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि आपने सुना ही होगा कि 3 राज्यों में इस वर्ष पूरे वर्ष जो है 2023 में करीब 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें से 3 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, जहां तीनों जगह 60-60 सीटें हैं। चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है, 16 तारीख और 27 फरवरी को, यानी 16 फरवरी और 27 फरवरी को तीनों राज्यों में वोट डाले जाएंगे, जिसमें आपको बता दें कि त्रिपुरा में 16 तारीख को और मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वोटों का गिनती जो है वो 1 मार्च को किया जाएगा और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, नामांकन की तिथि भी घोषित कर दी गई है और इसके साथ साथ नाम वापसी के लिए भी 10 फरवरी का तिथि घोषित किया गया है। इस बीच में जो खबर आ रही है कि महागठबंधन अब पूरी तरह से छितरा गया है, नागालैंड में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है और कम से कम इन 60 सीटों में से कहा जा रहा है कि 11 से 12 उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं, इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। और इस पूरे मामले पर नागालैंड के जो प्रभारी हैं श्याम रजक, उन्होंने अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव भी नागालैंड में प्रचार करने जाएंगे और आपको ये पता है कि जदयू पहले से ही नागालैंड में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नागालैंड में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक दूसरे के विरुद्ध अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे
तो उसका परिणाम क्या आता है। इतना मान के चलिए कि जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि महागठबंधन में भले ही ये दावा किया जा रहा हो कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सब ठीक नहीं है। हमने आपको बताया था कि देश में बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी होगी, और ये बात राष्ट्रीय जनता दल लगातार कह रही है, लेकिन कोई भी एक इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक दूसरे पर कहा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार करके कैसे नरेंद्र मोदी से लड़ेगी महागठबंधन, ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली।